किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसे केवीएल कहते हैं, ये बेसिकली किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के किसी लूप में इलेक्ट्रिक वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने के काम आता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के मुताबिक द टोटल चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स अराउंड एनी क्लोज लूप इज जीरो इन ए सर्किट, इन ए सर्किट। और यू ऑल्सो कैन से द अल्जेब्रिक सम ऑफ द अल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज इज इक्वल टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करेंट एंड द रजिस्टेंस अराउंड दैट लूप। समझ गया ना, ये इसका लॉ है। तो इसे अप्लाई करना है, देखिए क्वेश्चन को जरा देखिए। अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I1 एंड I2 फॉर द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर को आप देख रहे हैं, इसमें दो सेलें लगी हैं हमारे पास में, दो सेलें हैं। फर्स्ट सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो 3 वोल्ट का है, ठीक है। और इससे कोई करंट स्मॉल I1 हम ड्रॉ कर रहे हैं। सेकेंड सेल, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 4 वोल्ट का है और इससे करंट I2 विड्रॉ हो रही है। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं करंट I1 10 ओम के रेजिस्टेंस में होते हुए 15 ओम रेजिस्टेंस में से आने वाली करंट I2 से यहाँ मिलेगी इस पॉइंट पर। इसको नेम कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो इस पूरे डायग्राम में हमारे पास में दो क्लोज्ड लूप हैं। फर्स्ट लूप आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, सेकेंड लूप इस तरीके से। टोटल हमारे पास में यहाँ पे दो लूप हैं। करंट I1 I2 से मीट कर रही है और पॉइंट बी से सी की तरफ डिपार्ट कर रही है। इस करंट की वैल्यू कितनी होगी आप जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ से KCL से द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट डिपार्टिंग फ्रॉम द जंक्शन। तो जो करंट इंटर कर रही है उतनी ही करंट बाहर की तरफ निकलेगी। सो बी से सी की तरफ जो करंट जा रही है उसकी वैल्यू I1 प्लस I2 के इक्वल ही होगी। इसका मतलब डायरेक्शन बी सी की तरफ करंट I1 प्लस I2 है। ये करंट रेजिस्टेंस 10 ओम में एंट्री करेगी जो सीडी आर में लगा हुआ है। वापस यही करंट I1 प्लस I2 होते हुए पॉइंट ई तक आएगी और यहाँ पर फिर से ये डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगी सेल्स में अलग अलग I1 एंड I2 ऐसे। तो हमें मेजर करना है अमाउंट ऑफ करंट I1 एंड I2। तो पहले हम लोग लूप लेते हैं, लूप ए बी ई एफ। फॉर द लूप ए बी ई एफ, फॉर लूप ए बी ई एफ क्लोज लूप है अपने आप में। टोटल सम ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर बात करें इस सेल, इस पूरे लूप में दो सेलें लगी हुई हैं। फर्स्ट सेल आप देख रहे हैं हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं क्लॉकवाइज और इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस से प्लस की तरफ ट्रेवर्सिंग की ही डायरेक्शन में आ रहा है। माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू प्लस में लेते हैं, कन्वेंशन है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सो पहला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 प्लस में लिया जाएगा। सेकेंड देखिएगा, इस लूप में एक और सेल लगी है E2 और इसकी डायरेक्शन ट्रेवर्सिंग की डायरेक्शन से अगर बात करें तो जिस तरफ ट्रेवर्स कर रहे हैं उस तरफ के लिए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन माइनस में होती है। सो प्लस माइनस E2, टोटल ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्लस E1 माइनस E2 प्लस, ठीक है। देखिए ध्यान से, प्लस E1 इसकी वैल्यू कितनी है 3 वोल्ट प्लस E2 की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट। 3 प्लस माइनस 4 दैट इज 3 माइनस 4 एंड 3 माइनस 4 इक्वल्स -1। ये सम होने वाला है इक्वल किसके, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द करंट।
आई आर करेंट एलिमेंट्स के सम के इक्वल होने वाला है। तो अगर बात करें इस पूरे लूप में, लूप ए बी ई एफ में दो रेजिस्टेंस हमारे पास लगे हुए हैं 10 ओम और 15 ओम के। रेजिस्टेंस 10 ओम में जो करंट फ्लो कर रही है आई वन, उसकी वैल्यू कितनी है आई वन, और ये आई वन ट्रेवर्सिंग की ही डायरेक्शन में है, सो आई वन इंटू 10 प्लस में लिखा जाएगा, सो प्लस आई टू आई वन इंटू 10। बात करें अगर रेजिस्टेंस 15 ओम के लिए, तो ट्रेवर्सिंग हम लोग क्लॉकवाइज कर रहे हैं और करंट ट्रेवर्सिंग की डायरेक्शन के अगेंस्ट फ्लो कर रही है आई टू, सो आई टू इंटू 15, इसमें करंट कितनी है, इसमें करंट आई टू है, आई टू इंटू 15 माइनस में लिखा जाएगा, माइनस आई टू इंटू 15, सो 10 आई वन माइनस 15 आई टू इक्वल्स माइनस वन। फिर से देख लीजिएगा, 10 आई वन माइनस 15 आई टू, माइनस 15 आई टू इक्वल टू माइनस वन, ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा, नोट कर लेंगे इसको, ये पहला हमारा इक्वेशन बन गया, 10 आई वन माइनस 15 आई टू इक्वल्स माइनस वन। इसी तरीके से हम दूसरे लूप बी सी डी ई के लिए भी एक एक्सप्रेशन करंट दोनों करंट्स में ऑप्टेन कर लेंगे, ठीक है, नोट करें इसको। नाउ फॉर द सेकेंड लूप हमारा पहला इक्वेशन जो हमको मिला है उसको नोट कर लेते हैं, 10 आई वन माइनस 15 आई टू इक्वल टू माइनस वन, ये हमारा पहला इक्वेशन हमको मिला था फर्स्ट लूप से। अब बात करते हैं सेकेंड लूप, फॉर लूप बी सी डी ई, देखिएगा यहां वही अप्लाई करिए, पहले पता लगाते हैं अल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज, अल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज। अगर बात करें इस पूरे लूप में केवल एक ही सेल लगी है, वो सेल लगी है ई टू, और इस सेल की जो डायरेक्शन है माइनस से प्लस की तरफ हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं, और माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव होता है, सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू ई टू पॉजिटिव में लिखेंगे, बिकॉज जिस तरफ ट्रेवर्स कर रहे हैं वही डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ टर्मिनल पोटेंशियल की है, और प्लस में लिखा जाएगा इसको, सो दैट इज ई टू इक्वल्स 4। नाउ फाइंड आउट द सम ऑफ द करेंट एंड रजिस्टेंस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द करेंट एंड रजिस्टेंस, कन्वेंशन है करंट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव लिया जाएगा अगर ट्रेवर्सिंग की डायरेक्शन में ही करंट मिलती है, और करंट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट नेगेटिव में लिखा जाएगा अगर करंट की डायरेक्शन ट्रेवर्सिंग की डायरेक्शन के अगेंस्ट है। सो इस पूरे सर्किट में, इस लूप के की अगर बात करें तो दो ही रेजिस्टेंस हैं 15 ओम 10 ओम, 15 ओम रेजिस्टेंस में करंट आई टू एंट्री कर रही है, सो 15 आई टू, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, प्लस में लिखेंगे। रेजिस्टेंस 10 ओम, 10 ओम की इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट एंट्री करने चल रही है, आई वन प्लस आई टू, इस रेजिस्टेंस में आई वन प्लस आई टू करंट एंट्री करने चल रही है, सो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू करंट हो गई इंटू रेजिस्टेंस 10 ओम। डायरेक्शन जरा देखिएगा, करंट की डायरेक्शन ट्रेवर्सिंग की ही डायरेक्शन में है, तो प्लस में लिखा जाएगा, सो टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस इज 15 आई टू प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू 10, इसको जरा सॉल्व करिए, 15 आई टू प्लस 10 आई वन प्लस 10 आई टू, 10 आई वन पहले कर देते हैं, 10 आई वन 10 आई टू प्लस 15 आई टू 25 आई टू, सो 10 आई वन प्लस 15 आई टू
ये टोटल IR की वैल्यू मिल गई हमको। नाउ बाय द किरचॉफ लॉ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सम अल्जेब्रिक सम करंट रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के अल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। सो 10I1 प्लस 15 25I2 इज इक्वल टू 4 बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। 10I1 प्लस 25I2 इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर सेकंड भी हमको मिल गया है। अब दोनों ही इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10I1 प्लस, देखिए आंसर 10I1 माइनस 15I2 इज इक्वल टू माइनस 1, 10I1 प्लस 25I2 इज इक्वल टू 4। सो अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें, अगर इस एक्सप्रेशन को सेकंड से माइनस कर दें, सो 10I1 माइनस 10I1 कैंसिल आउट, 25I2 माइनस 25I2 माइनस माइनस 15I2 माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 15 योर आंसर इज 40, दैट इज 40I2 इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस 1, 4 प्लस 1 5, सो I2 इक्वल्स 5 अपॉन 40, दैट इज 1/8 एम्पियर। सो द अमाउंट ऑफ I2 अमाउंट ऑफ द करंट I2 इज इक्वल टू 1/8 एम्पियर। इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ I2 इन ईदर एनी वन इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I1। ठीक है, इसको प्लेस कर दीजिए, आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हम जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में किसी लूप में करंट की वैल्यू को पता लगा सकते हैं।